Welcome to this math session, students. In this math session, first we are going to discuss your PYQ of JE Mains. JE Mains 2020 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अभिषेक सॉल्व कर रहा था, तो उसको इस पर डाउट आया था. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे आपको दिया गया है, इफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 4. देन उसके बाद आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं. ये चार ऑप्शन में एग्जैक्टली जो आपको दिया गया है वो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. जैसे यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 1 विजिबल है, ऑप्शन 2, 3, 4 का भी हमारे पास है, बट उसको इंपोर्ट करने की कोई अलग से जरूरत नहीं है. चारों ऑप्शंस में, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में आपको लिमिट दी गई है, जो आई स्क्वायर है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई है, समथिंग. समझ रहे हो? यहाँ पे आई स्क्वायर 1/9 से 1/8, वैसे यहाँ पे कोई एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू, सेम दो वैल्यू के बीच में आई आई स्क्वायर ऐसा कुछ आपको दिया गया है. इन शॉर्ट यहाँ पे हमें इंटीग्रल की लिमिट निकालनी है, इंटीग्रल की लोअर लिमिट, इंटीग्रल की अपर लिमिट. पहले देख के तो आपके दिमाग में यही आएगा कि अगर आप कुछ करके इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहे हो तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट तो निकालने की जरूरत ही नहीं, वहीं से आपका काम हो जाएगा. बट जब आप इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे, जैसे 1/√2x³ - 9x² + 12x + 4, तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है तो हमें पहले सोचना होता है कि यहाँ से लिमिट से हम कुछ अंदर कर सकते हैं या नहीं. आया ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जैसे ये आपके पास है इंटीग्रल a to b f(x) dx, राइट? तो a to b f(x) dx में क्या हम यहाँ पे इंटीग्रल a to b f(a+b) - x dx अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट? यस, विष्णु इज टेलिंग टू शो ऑल द ऑप्शंस. वेट विष्णु, लेट मी चेक. हाँ, दोज आर अवेलेबल हियर. इफ यू वांट टू सी ऑल द ऑप्शंस, दिस आर द लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस. ऑप्शन 2, 3, 4. सो आई स्क्वायर की आपको अलग अलग वैल्यू दी गई है. तो मैं ये बता रहा था कि हम इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते. आइदर आप फंक्शन को देख के कर रहे हो या उसके लोअर लिमिट या अपर लिमिट को देख के कर रहे हो, मतलब पहले लिमिट वाइज सोच रहे हो या फंक्शन वाइज सोच रहे हो. तो अब सिंस हमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट या अपर लिमिट नहीं, बट आई हमारा आंसर किस रेंज में हो सकता है वो निकालना है. थोड़ा एडवांस वे में अगर हम यहाँ पे सोचें, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचें, हमें ये पता है कि जो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है वो आपको क्या देता है. Isn't it is giving you area under curve? Please give me some response. अगर मान लो ये फंक्शन का ग्राफ है, राइट? अगर ये मान लो ये आपके फंक्शन का ग्राफ है, तो फंक्शन का ग्राफ आपको देता है एरिया अंडर कर्व. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. एरिया अंडर दिस कर्व, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, राइट, एज वेल एज एक्स एक्सिस. इन शॉर्ट आपको ये एरिया की वैल्यू निकालनी है. ये एरिया मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है. हमने कुछ चीजें देखी थी, अगर किसी तरीके से आप फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, समझना, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, कैन आई से दैट फॉर दिस ग्राफ दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम ऑफ एफ, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम ऑफ एफ, राइट? तो अगर आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, मान लो ये ए है, ये बी है, राइट? So this distance will be b minus a, upper limit and lower limit of the integral. So can I say that अगर आप minimum f को b minus a से multiply कर रहे हो and maximum f को अगर b minus a से multiply कर रहे हो, तो आपका area इन दोनों के बीच में ही आने वाला है. आया ना? You can tell me yes if you agree, everyone. जो हमारा एरिया है, डेफिनेटली दैट विल लाई बिटवीन मिनिमम एरिया एंड मैक्सिमम एरिया और नॉट. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? सो हियर अवर एरिया अंडर कर्व, पर्टिकुलरली दिस आई और ए, इज गोइंग टू लाई बिटवीन एफ मिनिमम इनटू बी माइनस ए एंड एफ मैक्सिमम इनटू बी माइनस ए. इफ यू एग्री यू कैन टेल मी यस. हाँ या ना?
जो हमारा ए आई है वो ब्लू कलर से है, एफ मिनिमम येलो है, एफ मैक्सिमम ब्लू है. ओके हाँ सॉरी, व्हाइट ब्लू येलो. थोड़ा लास्ट क्लास से थक जाते हैं तो थोड़ा टंग ट्विस्टिंग आप मैनेज कर सकते हो. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? रिस्पांस देते रहना. आई होप आप भी इतने रात को क्लास अटेंड कर रहे हो तो कुछ करना होगा आपको, राइट? हाँ, डिफाइनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज में भी हमने देखा था. यस राइट हर्षा. चलो सो गौरी, कल्पना, अभिषेक, सृष्टि, दिलीप, विष्णु. विष्णु तो अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हर्षा भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स. एंड ऐसा तो नहीं कर रहे ना, बस मीटिंग ज्वाइन करके आराम से सो रहे हो पीछे. आई होप यू आर नॉट डूइंग लाइक दैट. चलो नेक्स्ट. अब हमें ये फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो फिर फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है और फंक्शन के मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट? देयर इज नथिंग बट अवर कंसेप्ट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा. सो हियर फंक्शन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4. यस, मिनिमम मैक्सिमा निकालने के लिए हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. वेरी गुड विष्णु. सो हियर एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, पावर नीचे आ जाएगी, माइनस हाफ एक्स टू द पावर दैट इज 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1. एंड वी हैव टू यूज चेन रूल हियर, राइट? सो इसको यहाँ पे करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4. ओके यस, हर्षा इज टेलिंग और वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग क्यूब. ओके हर्षा, विल थिंक ऑफ दैट एज वेल. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. ये माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 3 बाई 2 हो जाएगा. 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 टू द पावर 3 बाई 2. न्यूमिनेटर में इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे 6x स्क्वायर 18x प्लस 12, 4 का हो जाएगा 0. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. फिर मिनिमा और मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. सो डिनोमिनेटर तो आपका जीरो नहीं हो सकता. 6x square minus 18x plus 12 equal to 0. मैं यहाँ पे 6x कॉमन निकाल सकता हूँ, सॉरी 6 कॉमन निकाल सकता हूँ. x square minus 3x plus 2 equal to 0. दो के ऐसे फैक्टर के प्लस करके 3 आएगा. x minus 1 x minus 2 equal to 0. तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 1 और 2, राइट? अब यहाँ पे आइदर आप वहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करो मिनिमम मैक्सिमा के लिए, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर आप सिंपल वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हो बिकॉज अल्टीमेटली है तो पॉलिनोमियल. हाँ या ना? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 3/2 है, राइट? उसके लिए पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, फिर आप उसका क्यूब निकालोगे, राइट? तो स्क्वायर रूट का क्यूब आपका पॉजिटिव ही होने वाला है. तो अल्टीमेटली आपको ये पॉलिनोमियल की साइन देखनी है, विच इज मल्टीप्लाइड विथ माइनस. माइनस को बाद में देखते हैं, पहले x माइनस 1 x माइनस 2 को समझते हैं. तो x माइनस 1 x माइनस 2 का नेचर ऐसा आएगा, हाँ या ना? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. बट सिंस आगे माइनस साइन मल्टीप्लाइड है, तो ये पूरा वेवी कर्व हमारा हो जाएगा रिवर्स. माइनस प्लस माइनस, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. तो हमारा मेन एम क्या था, हमें मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करना है, राइट? मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स आपका 1 और 2 पे 0 है. अब हमें ये पता है कि एफ डैश एक्स आपका 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव है. एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव बिटवीन 1 टू 2. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. हाँ या ना? एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है बिटवीन 1 टू 2. तो कैन आई से दैट बिटवीन 1 टू 2 आपका एफ डैश आइदर इंक्रीजिंग हो गया या आइदर डिक्रीजिंग होगा. व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 टू 2 आवर एफ विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन और एफ विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. होप आपको पता चल रहा है, ठीक है?
वाई डिक्रीजिंग ओनली इंक्रीजिंग, वाई ओनली इंक्रीजिंग, क्योंकि इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए एफ डैश एक्स, वेट माय मिस्टेक सॉरी, ये होता है रात के लास्ट क्लास होते तो होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मींस फंक्शन वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो दैट मींस मैक्सिमा और मिनिमा, एफ डैश एक्स नेगेटिव डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स पॉजिटिव इंक्रीजिंग, माय मिस्टेक, सो एफ इज एफ विल बी इंक्रीजिंग ओवर हियर, अब 1 टू 2 में एफ इंक्रीजिंग है तो यहां से ये क्लियर है कि एफ विल बी मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1, एंड एफ विल बी मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 2. यहां से तो हमारा काम आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ यू कैन फाइंड एट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 हम यहां पे फाइंड करेंगे, हाँ या फिर हर्षाई स्टेलिंग हम डायरेक्टली 1 और 2 रख के कर सकते हैं ना, ये बेबी काउ करने की क्या जरूरत है, यस डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे हमें 2 पॉइंट तो मिल ही गए, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2, कोई एक मिनिमा होगा कोई एक मैक्सिमा होगा, तो ये बेबी काउ करने की भी जरूरत नहीं है, राइट, हम यहाँ से डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं, एंड दैट विल बी बेटर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हम जितना स्टेप्स को कम कर पाए दैट विल बी बेस्ट, ठीक है, तो अगर मैं एफ ऑफ 1 यहाँ पे रखा हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 4, चलो 12 माइनस 9 विल बी 3, 3 प्लस 2 6 प्लस 4 10, सो एफ ऑफ 1 1 अपॉन रूट 10 आ जाएगा, प्लीज चेक आंसर इज इट करेक्ट या मैंने कोई मिस्टेक की है, चेक मैक्सिमम एफ ऑफ 2 is equal to 1 upon square root 2 cube 8, 8 2s are 16, minus 9, 2 square 4, yes, okay, Abhishek, okay, Harsha, just a minute, yes, Vishnu, then plus 12 into 2, plus 4, theek hai, I think baki sab students meri tarah so rahe hain, Abhishek, Harsha and Vishnu sirf jaag rahe hain, so yahan pe simplification mein garbadi, 12 minus 9 is 3, 4 plus 3, 7 plus 2, 9, so 1 upon square root 9, yes, very good Gauri, it will be 1 upon 3, chalo ab yahan pe simplify karte hain, so 12 2s are 24, 9 4s are 36, 9 and 16, 16 minus 36 minus 20, 12 2s are 24 minus 24, 4 plus 4, 8, 1 upon root 8, am I correct, okay, minima or maxima we know, अब ये रूट 9 है ये रूट 8 है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, सो डेफिनेटली दिस विल बी मिनिमा एंड दिस विल बी मैक्सिमा अगर हम डायरेक्टली जा रहे हैं तो, चलो अब हमें b माइनस a चेक करना है, राइट, व्हाट विल बी b माइनस a हियर, आपका इंटीग्रल 1 टू 2 है, सो हियर b माइनस a विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो आई विल लाई बिटवीन b माइनस a इंटू f मिनिमम into b minus a into f maximum, b minus a हो जाएगा आपका 1, right, 1 unit into f minimum is 1 by 3, is less than i, is less than 1 upon root 8, अब आपके जो भी answers हैं, वो सारी चीजें आपको square, i square के term में दी गई हैं, right, so we can apply square on both the sides, inequality में हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 1 by 9, less than i square, less than 1 by 8, करेक्ट है, चेक, 1 by 9 less than i square less than 1 by 8, so option 1 will be your correct answer, okay, so this is good question, ये clear है, तो अभिषेक उस दिन जब हम देख रहे थे तो वो solution में उन्होंने directly ले लिया, but हमें वो पता नहीं चल रहा था कि कैसे,
दिस इज द करेक्ट रीजन. ओके दिस इज द करेक्ट रीजन बिहाइंड इट.